न्यूटन ने पता किया था कि सूर्य की रोशनी यानी सफेद रोशनी में इंद्रधनुष के सभी रंग मिले होते हैं। जिस तरह साउंड वेव्स की लंबाई से यह तय होता है कि उनकी पिच कितनी होगी, उसी तरह लाइट की वेवलेंथ से तय होता है कि हमें कौन सा रंग दिखाई देगा। मगर प्रिज्म सूर्य की रोशनी में छिपे सारे रंगों को फैला देता है। जब लाइट हवा या स्पेस से गुजरती है तो इसके सारे रंग एक सी स्पीड से आगे बढ़ते हैं, मगर कांच या किसी एंगल से टकराते ही उसकी स्पीड कम हो जाती है और डायरेक्शन बदल जाती है। प्रिज्म के अंदर हर रंग अलग स्पीड से चलता है। कांच के अंदर बैंगनी लाइट, जो सबसे छोटी वेव्स पर सवार होती है, लाल रंग की लाइट से ज्यादा धीमी हो जाती है, जिसकी वेव्स सबसे लंबी होती हैं। स्पीड में इस फर्क की वजह से रंग अलग अलग छिटक जाते हैं और सारी लाइट वेव्स थोड़ी अलग हटकर चलने लगती हैं। प्रिज्म इसी तरह काम करता है। जब न्यूटन करीब 21 साल के थे, तभी वो इंद्रधनुष के राज को हल करने वाले पहले इंसान बन गए थे। ये बड़ी खोज थी। उन्होंने इन रंगों के दिखने को स्पेक्ट्रम नाम दिया था। लैटिन में इसका मतलब भूत या प्रेत छाया होता है।